अच्छा, उसमें अकलमंद होने की तो ऐसा कोई बात नहीं है. मैंने अपनी फैमिली को ही देखा, मैंने अपने फादर को देखा. ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर अस, हमें जब भी जरूरत थी अब्बू की हमारे साथ ही रहे हमेशा. और इसी तरह हमारे दादा भी ऐसे ही थे. तो मेरी फैमिली में ही ऐसा होता रहा. So इसका मतलब है, सही कहते हैं, लाइक फादर लाइक सन. अगर आपने शादी करनी हो तो लड़के के अब्बा को देखो और लड़की की अम्मा को देखो. Exactly. वैसे आप दोनों ने, आपने उनकी अम्मा को देखा था या आपने इनके अब्बा को देखा था कि एक दूसरे को देख के तय कर लिया था? हमने तो एक दूसरे को देख के 6 साल पहले ही तय कर लिया था कि भाई यू आर द वन. अरे कैसे, इसे हम पहली नजर की मोहब्बत कह सकते हैं या फिर ये सोच समझ के किया हुआ प्यार है जो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आई एम इन लव? नहीं, जैसे वो किसी ने कहा, किसी हीरो ने कहा है गाइस कि प्यार जो है वो सोच समझ के नहीं किया जाता. हम बेसिकली एक सोशल मीडिया की साइट है, उस पर मिले थे. यूस वक्त एक्ट्रेस नहीं थी, मैं एक मॉडल था, एक स्ट्रगलिंग मॉडल. अच्छा. हाँ, उसके बाद ये बाद में फील्ड में आई थी, बाद में ये फेमस हुई. शोबिज़ से बहुत पहले की दोस्ती. बहुत बहुत पहले की बात है. तो हम कह सकते हैं कि ये फेसबुक फ्रेंडशिप है. फेसबुक भी इतना फेमस नहीं था उस वक्त, ऑर्कुट होता था. अच्छा. हमने नया नया ज्वाइन किया था, आई थिंक मैंने शुरू शुरू में करके. अब स्कूल लाइफ से आप जब निकलते हैं, शी एक्चुअली यूज्ड टू बी माय फैन. किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट दी थी? मैं फैन थी. ये फैन थी? आप फैन? और मैं कभी नहीं मानती है बात, अब जाके मान लेती. पहले मैं कहती थी मुझे नहीं पसंद, जबकि मतलब आप तस्वीर देखते हैं एक दूसरे की, पसंद आती है वो चीज आपको, बंदा अच्छा लगता है. लेकिन मैं उनमें से थी, वो कभी बोलेगी नहीं कि ये चीज अच्छी लगी है मुझे. शादी में भी दानिश ने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ. अच्छा, फिर सही कर लो. अच्छा, ये प्रपोजल इनकी तरफ से आया जब दिल में आपकी ख्वाहिश थी? कभी कभी खातून भी कहती थी, कभी इतना अरसा हो गया है, लेट्स गेट मैरिड, या चलो हम अपने रिश्ते. खवातीन अक्सर कहती है कि जल्दी शादी कर लो, मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं. ऐसा कभी? कभी आपने ये थ्रेट यूज किया जल्दी कर लो वरना मैं तो किसी और की होने वाली हूं? एग्जैक्टली रही हूं. अच्छा, वो तो तब होता था, देखो हो ना जाए, हो ना जाए, देखो हो ना जाए मेरी शादी. लेकिन सबसे ज्यादा मुझे होती थी इनकी ना हो जाए कहीं, वो तो आपकी अम्मी ना लेकर आ जाए रिश्ता, यहाँ कर लो जल्दी. सही सही. अच्छा, मतलब फिर पहली नजर में नहीं हुआ, पहली नजर में प्यार हुआ जब आपने देखा, आपने कहा कि मैंने सोच समझ के प्यार होता ही नहीं. बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल बबो सामने, आगे क्या था, वो बोल पावे ना, है ना? So ये खूबसूरत से बोल है, ये एक मिथ्स है हमारी उसकी. अरे ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. खुशामदीद, खूबसूरत सा कपल आज हमारा मेहमान है. दानिश और आयजा से हम मिल रहे हैं और दोनों से गपशप और मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है. अच्छा, दोनों में से कौन ज्यादा एक्सप्रेसिव है जो खुल के? आयजा आप बोलेंगे, आप बोलेंगे या मैं बोलूं? आप बोलेंगे. मैं हूँ, लेकिन मैं इनसे वो भी करवा लेती हूँ, मतलब इनसे बार बार बोल के ना ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो ये कर लेते हैं सारी. मतलब मोहब्बत का इजहार करने में, मतलब जेस्चर्स में, हाथ पकड़ने में, मनाने में, कौन पहल करने वाला, कौन ज्यादा? कोई भी कर लेता, पहल वाला, लड़ाई वाला. तो अभी तक एक तय नहीं हुआ कि इसी ने करना है. जो पहले मेरे ख्याल से शादी से पहले आई लव यू ज्यादा ये मुझसे कहती थी, शायद शादी के बाद मैं कहता हूँ. गुड चेंज, गुड चेंज. अच्छा, अब हमने एक छोटा सा आपके साथ ना इसी तरह के सवालों का एक कंपैटिबिलिटी गेम करना है. उसके लिए एक शर्त है, हमने आपके पास ये हेडफोन रखे हुए जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है और उस मोबाइल में एक गाना जो है वो हमने ऑन कर दिया है और इसका वॉल्यूम इतना है कि आपको मेरी और आयजा की कोई भी बात जो है वो सुनाई नहीं देगी. आपने हेडफोन लगाना है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करनी है, मून वॉक करनी है. हाँ, मून वॉक करनी है जब तक कि मैं और आयजा जो है वो आपके बारे में कुछ गपशप कर लें और फिर हम आपको वापस यहाँ पे बुला लेंगे. ये एक दफा मैं देख सकती हूँ कि आप कोई फाउल गेम तो नहीं हो रहा, मतलब वाकई में म्यूजिक ऑन है? किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक ऑन है और आप ये सुनेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे, वॉक करेंगे. थैंक यू दानिश. नो प्रॉब्लम. थैंक यू दानिश जी. अच्छा जी, आयजा अब मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रही हूँ. दानिश का फेवरेट ड्रेस क्या है? ड्रेस दानिश को ब्लैक शर्ट बहुत पसंद है, ब्लू पैंट जीन्स के साथ, मतलब ब्लैक कुर्ता, ब्लैक शर्ट, टी शर्ट. ओके, ठीक है. ब्लैक कलर में जो भी हो. और इनकी फेवरेट हीरोइन का नाम क्या है? हीरोइन फेवरेट अभी पता नहीं, दीपिका भी हो सकती है. हो सकती है, कोई एक कंफर्म नाम बताएंगे आप? वो चेंज होता रहता है ना, जिसका काम बहुत अच्छा होता है उनको वो अच्छी लगने लग जाती है,
कंफर्म जवाब देना है दीपिका डॉट ताकि वो हम उनसे वेरीफाई करें कि वो है या नहीं. अच्छा जी, आखिरी दफा आई लव यू उन्होंने कब बोला था आपसे? अभी आते हुए बोला हो गाड़ी में, अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया हो कान में, कल बोला हो, किस दिन बोला था? आई लव यू कब बोला था? कोई मुझे दिन मुझे याद नहीं दिन, अभी बीचों में यहाँ आके तो बोलते रहते हैं. अच्छा, मैं याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब बोला था. कल परसों नहीं, हम बोलते रहते हैं सुबह भी शाम भी जब भी हो. मैं लिख लूँ कि आपने सुबह बोला था. आई लव यू बोलते नहीं है. अच्छा. बोलते हम सिर्फ मैसेज, जब मैं अपने घर जाती हूँ ना तो मैसेजेस पे हम आई लव यू बोलते हैं. वो इजहार होता है हर चीज से, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं वो तो हर वक्त होता है. अच्छा, होल्डिंग हैंड्स एंड सेइंग आई लव यू आई स्टिल लव यू, वो तो हमारे वाले नहीं बताते. मैं लिख लूँ कि सुबह बोला था उन्होंने. नहीं सुबह नहीं बोला था, वो झूठ नहीं बोलेंगे दाने. अरे कल बोला था. कल बस आप लिख दें कि बस बोला था. अच्छा, बस बोला था, तीन चार दिनों में बोला. तीन चार दिन हो गए बोले में. आखिरी दफा लड़ाई कब हुई है? कोई नोक झोंक तकरार? आपने बताया लड़ाई हुई नहीं. नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं. कोई तकरार, कोई नोक झोंक, कोई मूड खराब? नहीं. बच्ची बोर हो रही है, तुम उसे संभाल नहीं रही हो, या तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारी नहीं होती, बिल्कुल हुई नहीं है. नहीं, कोई ऐसी मैं लिख रही हूँ कि हुई नहीं है नहीं, कोई भी. वेरी गुड, माशाल्लाह. अच्छा, मुंह दिखाई में आपको क्या मिला था? वो तो मैं बताती नहीं हूँ. मतलब यही चीजें मैं शेयर नहीं करती. अच्छा? क्या मिला क्या नहीं, वो क्योंकि यही सिर्फ जाके फेसबुक पे स्टेटस लग जाते हैं, उन्होंने ये दिया तो वो हमारी बात है. जो हमारी बात है वो हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करते. थोड़ा सा कुछ बताते, हमने वेरीफाई करना उनसे कि उन्होंने क्या दिया क्या नहीं. वो भी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे. कुछ दिया भी था? हाँ दिया था. दिया था? अरे क्या वो गोल्ड की कोई चीज थी? गोल्ड भी था. गोल्ड ही था, ओके ठीक है. ईद पे ईदी क्या मिली थी? ईद पे ईदी हमें मेरी बेटी मिली थी. माशाल्लाह, क्या ईदी है. अल्लाह ऐसे खुशी दे दी सबको. लेकिन नक दीदी, बेटी से पहले जो ईद गुजरी है, ईदी वाली छोटी ईद, उस पे क्या क्या कुछ दिया, कितना ईदी मिली थी? कितनी तो नहीं, दानिश कंजूसी मैं निकाल लूं. अच्छा, देते नहीं है वो, कहते अच्छा ले लो, कितनी चाहिए ले लो, चलो चलो. इसका मतलब ईदी नहीं मिली हाथ से? कुछ मुझे हाथ से देते हैं ना आके. ये मैं कहती हूँ मुझे ईदी दें, कहते तुम्हारा ही तो है सब, तुम्हें क्या निकाल के मैं अलग से दूं, ले लो जो देना है. तो मैं लिख रही हूँ कि ईदी नहीं मिली थी. निकाल ली गई थी, लिख ली ईदी. अच्छा, निकाल ली थी. फेवरेट सिंगर कौन सा या कौन सी है जिसको हमेशा सुनना पसंद करते हैं? सोनू निगम. सोनू निगम, ग्रेट. आखिरी दफा मूवी आप दोनों ने इकट्ठे कब देखी है? मैंने दानिश की देखी थी. कब, कितने दिन हो गए? उनके प्रीमियर पे देखी थी. प्रीमियर पे देखी थी. अच्छा, उसके बाद बीच में एक देखी थी. घूमने गए इकट्ठे कहीं अभी रिसेंटली? लास्ट टाइम कब गए? अभी बेबी के बाद. अब हम प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर इंशाल्लाह. ठीक है, यानी अभी अभी तो हम छोटी सी फ्लाइट में उसको लेकर आए देखने के लिए, क्योंकि सही है, सेट है या नहीं है. रिसेंट पास पे कहीं नहीं गए हैं? नहीं, अभी प्लान है हमारा. हनीमून कहाँ हुआ था, कहाँ गए थे हम लोग? हमारा प्लान जो है वो टर्की और दो चार और जगहों का था, मगर जल्दी से जो वीजा मिला हमें थाईलैंड का मिला था. 50-60 करोड़ सवाल नहीं हो गए? इतनी देर से चले जा रहा हूं. किसकी पसंद से हुआ था? पसंद क्या, कोई नहीं, कहीं भी जाना था हमें तो. हाँ, तो दानिश, ये सारी चीज दानिश डिसाइड करते हैं. ग्रेट, चलें? मैं कहा चलो. थैंक यू सो मच. आइए, मेरी बारी है. दानिश आ जाइए. आ जाओ. बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए. आयजा आप यहाँ तशरीफ रखेंगी. अब आप म्यूजिक आप बैठिए, आपके सामने ही वेरीफाई कर लेते, उसमें तो हमें कोई आपको भी पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे. दानिश आप तैयार? मैं तैयार हूँ. बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस किए हैं हमने. अच्छा, आपके ख्याल में आपका फेवरेट ड्रेस क्या है? क्या? ब्लैक. ब्लैक, एनीथिंग इन ब्लैक? एनीथिंग इन ब्लैक. सही, ये बिल्कुल सही कहा आयजा ने. और फेवरेट हीरोइन का नाम क्या है आपकी? वैसे तो सारी हीरोइंस पसंद है मुझे. नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे दीपिका अच्छी है बहुत. ये बोला तुमने, वेरी गुड. अच्छा, आपने निगाहें हैं कि किसको कैसे देख रहे हैं. अच्छा, इन्होंने मुंह से नहीं बताया आपको, आपने जज किया ये? हाँ बताया तो नहीं, कभी झूठ बोल रही. कब बताया आपने मुझे? नहीं, आपने मुझे नहीं. इतनी तारीफें करता हूँ मैं तुम्हारे सामने दीपिका की. तारीफें वैसे सबकी होती है तो. अच्छा, बिल्कुल सही. आखिरी दफा आई लव यू कब बोला याद है? सुबह बोला हो, गाड़ी में आते हुए बोला हो, कल बोला हो, परसों? कंफ्यूज नहीं होना, जो पहला आंसर है ना वो आपको हमेशा सही होगा, याद रखेगा. तीन चार दिन पहले बोला होगा. वेरी गुड, एग्जैक्टली मैंने यही बोला. तीन चार दिन पहले? इन्होंने सुना नहीं है. इन्होंने सुना नहीं है, लेकिन गुड. आखिरी दफा लड़ाई कब हुई है? लड़ाई तो नहीं हुई हमारी.
मतलब कोई नोक झोंक, बैड मूड, कोई एक दूसरे से मुंह बसोर लिया हो थोड़ी देर? नहीं, मैंने बताया था आपको लड़ाई नहीं हुई माशाल्लाह हमारी। माशाल्लाह, ये भी दुरुस्त। मुंह दिखाई में क्या दिया? सॉरी, कम आयजा को मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट मिला था? मुंह दिखाई में क्या दिया था, ये सवाल हमसे पहले भी किसी ने पूछा था, बट इट्स क्वाइट पर्सनल, तो वो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। वेरी गुड। वहां से जो आवाज आती है ना हंसने की, वो कोई गाड़ी थी, गोल्ड था, कोई फूल था? चले ये बता देता हूँ कि गोल्ड में कुछ था, बट वो एग्जैक्टली क्या था वो नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त, दुरुस्त जवाब। अच्छा, पिछली ईद पे ईदी क्या मिलती आपने दी थी आयजा को? इस ईद पे जब ईद भी गई है? हाँ, मतलब इससे पिछली ईद, ये तो पिछली वाली तो बड़ी ईद थी ना, उससे पीछे छोटी ईद, छोटी ईद जो गई। हाँ, क्या ईदी दी थी? मेरी मूवी आई थी हुरैन, हुरैन, इनको मैंने ईदी तो नहीं कहूंगा मैं, ये भी बात मिलती जुलती है, लेके आए हैं फोटा। अच्छा, ईदी ऐसा एक्चुअली, अब हम लोग अब शादी हो गई ना, तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम ईदी देने गए थे सबको। अच्छा। अब बच्चे जो हमें वो मतलब उनके पेरेंट्स से हम जब लिया करते थे, अब सारे बच्चे आ गए, अंकल अंकल ईदी, अंकल ईदी, तो हम लगते थे यार ये हम इनको ईदी देंगे, अब इतने बड़े हो गए हम। तो अब मैं कहता था ये भाई पैसे आप पकड़िए, ये आप जाने और ये जाने, और जो बच्चे वो सारे आपके कैश में देते। गुड, ये भी ऐसा नहीं, इसी तरह बताया। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर, फेवरेट सिंगर भी तीन चार है। I just love to listen to Sonu Nigam. Very good. तुमने ये बोला, don't tell me यार। गाना कौन सा गाना अभी आजकल अक्सर गुनगुनाते हैं? आजकल कौन सा गुनगुनाता हूँ? भाई कोई एक गाना तो नहीं है, मैं तो कोई फेवरेट जो आजकल चढ़ा हुआ है मुंह पर, आते जाते आप वही गुनगुना रहे होते हैं। सोनू का एक गाना है आजकल, आ भी जा तू कहीं से, अभी ये तो जरा गुनगुना दे बीच में लगे आते। वो इतना मुश्किल है, मैं गा ही नहीं सकता वो गाना। अच्छा? बहुत मुश्किल है गाना, वो कभी सुनना शुरू किया है? वो कभी सुनना शुरू किया है। इकट्ठे आखिरी दफा मूवी कब देखी है इकट्ठे? हमने सिनेमा में या गा घर पे बोल रहे हो? सिनेमा तो कौन सी देखी थी तुमने साथ? उन्होंने बता दिए, आपने बताना। अच्छा, हम साथ कब गए थे? अभी रिसेंटली जो हम लोग, क्योंकि हुरैन का मूड किस दिन अच्छा था मेरे ख्याल से हम प्रीमियर पे गए थे। जबरदस्त, तुम शानदार। अभी लास्ट टाइम कहीं इकट्ठे घूमने फिरने गए हो किसी जगह पे? कहाँ गए थे, कब गए थे? अब तो इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ, हम अपने हनीमून पे गए थे, उसके बाद से अभी कहीं नहीं गए। जबरदस्त। हनीमून किसने पसंद किया था, कहाँ जाना और कहाँ गए थे? हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था। अच्छा, दोनों की पसंद? तीन चार जगह निकाली थी, अमेरिका भी था, टर्की भी था, मेरा तो वीजा लगा हुआ था, मैडम का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो फिर हम अपेरेंटली एंड में थाईलैंड, दुबई। गुड, जबरदस्त। आपको पता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से ना सिर्फ ये कि जवाब सही दिए, बल्कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते जवाब दिए। जो लाइंस वो बोल रही थी एग्जैक्टली वही लाइंस आप भी उसी तरह, 4 days तक वो सेम थे हमारे। Exactly उसी तरह से आप देखेंगे। तोहफा कहती, मैं कहा वो तो नहीं बताएंगे कहने नारिश, मैं कहा वो भी नहीं बताएंगे। आप ये 6 साल का वो जो एक दूसरे के साथ सिलसिला है उसका कमाल है, या ये पहले दिन से ही कुछ ना कुछ आप लोगों की सोच मिलती है? तो कहते ना हम मिलते जुलते से नहीं, मुझे लगता है हमारी केमिस्ट्री तो बड़ी डेडली थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब एक दूसरे से, जैसे मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यहाँ दानिश क्या बोलेंगे। अच्छा, मैं अपना जवाब नहीं देती, मैं दानिश का जवाब देती हूँ। अब हम लोगों को इतना एक दूसरे का पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई आपसे बात कर रही है और मुझे लगेगा कि ये बात कुछ ठीक नहीं हो रही, तो फिर मैं यूं करूंगा, उसको एग्जैक्टली पता है कि दानिश जो है वो कुछ कह रहा है मुझसे। हाँ, और वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी समझदार बात की आयजा ने बीच में, उन्होंने कहा है कि मैं पहले से सोच लेती हूँ कि दानिश इसका जवाब क्या एक्सपेक्ट करेगा या देगा, तो मैं वही जवाब देती हूँ। वाह, इसी को कहते हैं रांझा रांझा कर दी, नहीं मैं आप पे रांझा हुई। सो जबरदस्त, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी गपशप जारी रहेगी लेकिन ब्रेक के बाद। खुश आमदीद और सुबह खैर, आज हम मिल रहे हैं दानिश तैमूर से, और आयजा खान है, अभी आयजा तैमूर है, आयजा दानिश है, ये आयजा दानिश है, आयजा दानिश है। अच्छा, और हुरैन तैमूर है, हुरैन तैमूर, उसका सरनेम तैमूर है। फर्क क्यों हो गया, मतलब आयजा दानिश है और हुरैन तैमूर है? बिकॉज तैमूर मेरी फैमिली का सरनेम है। अच्छा, तो बच्चे जितने भी होते हैं उनके नाम में तैमूर आता है, शी इज माय वाइफ, तो इसलिए वो आयजा दानिश, वो आपके साथ चलेंगे।
जबरदस्त. अच्छा कुछ खाना पकाने का सिलसिला शुरू हुआ घर में, कोई फरमाइश हो? क्या मतलब है, मैंने खिलाया इनको बना के. अच्छा भूल गए आप? हाँ जी, कब लास्ट टाइम कब खाया था हमने? कितनी बुरी बात है, ऐसे करते हैं आदमी, इनके लिए जितना भी कर लो. नहीं बड़ी जब भी बनाती है कुछ भी, बहुत बहुत मजे का बनाती है. आप फरमाइश नहीं करते? मेरे घर में कुक है, कुक बनाता है खाना तो, लेकिन जब मैं इससे स्पेशली कुछ बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कभी चार पांच दिन शूट आउटडोर करने के बाद घर पे गया तो मुझे एग पुडिंग बहुत पसंद है, तो ये रात में बना के रखी हुई होती है इसमें, सो स्वीट ऑफ अ. या मुझे कोई डिश कोई सी पसंद है, पिज्जा मुझे पसंद है, तो ये कहीं ना कहीं से उसको देख कर. बहुत सारी मैंने देसी फूड भी बनाई. लेकिन वो एक मर्दों का एक खास तरीका भी होता है ना, आज से मैं आपके हाथ का खाना खाना पसंद करूंगा. बहुत हो गए मेड्स, आप सब 10 और मेड्स रख लें, लेकिन खाना आपके हाथ का. अगर ये ऐसा बोलेंगे ना तो इनकी अम्मी मुझे इतना डांटेगी इनको. अच्छा, इतने काम कराने के लोगों से. अच्छा वाकई? नहीं यार ऐसा ये काम तो कोई भी नहीं करता. मतलब शॉविनिज्म थोड़ा सा, रोब ये क्या कर रही हो, फोन किसका आया है, वहाँ क्यों जा रही हो, पूछ के क्यों नहीं गई अम्मी के घर, मुझे मिलवा दे जरा. नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इस रिश्ते की खूबसूरती जो है वो यही है कि एक दूसरे पे बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये रिश्ता सबसे खूबसूरत है. फिर आप एक दूसरे पे शक करेंगे, एक दूसरे को आप डिग्रेड करेंगे कि नहीं मैं तो शौहर हूँ और तुम बीवी हो, तुम वैसे ही रहो मेरे साथ. आपको मेरे ख्याल ज्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए. आयेज़ा मतलब आपको अगर कहीं फील होता कि दानिश जो है वो इस तरह का रवैया, क्या उसको भी सोचा था कि ये भी हो सकता है, कि शादी कहते हैं एक जुआ होता है? नहीं अगर होता तो मुझे, क्योंकि मैंने जो सोच के शादी की थी मुझे लगता था ये बेहतर संभाल सकते हैं, बेहतर समझते हैं मुझे, बेहतर इंसान है. हाँ बेहतर सारी वो चीजें मुझसे बेहतर शायद वो चीजें सब मेरे लिए सोचते हैं. ठीक. तो अभी भी अगर वो किसी चीज से मुझे रोकते तो मेरे लिए बेहतरी होती है उससे. ठीक. अभी किसी भी चीज से हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या रोकते हैं दानिश, ऐसा मुझे किसी चीज से रोकते नहीं है. मुझे पता है इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और मैं उसी तरह की हूँ शुरू से. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कभी समझा देता हूँ कि देखो मेरे साथ तो ये यूं हो चुका है, अब इट्स अप टू यू. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए तो गो फॉर इट, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तो फिर रुक जाओ. मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बुरा अच्छा नहीं है, ये बता देता हूँ. सही. अच्छा हमने आज थोड़ा सा एक सिलसिला किया है किचन में लेके जाने का आपको. हमने कोशिश की आयेज़ा के हाथ से कुछ पका के आपको खिलाएं. मैं जरा बाहर से आ रहा हूँ. क्यों अभी इतनी तारीफें की हैं, देखो जरा. अरे आप